तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो शुरू करने वाले हैं, और यहाँ पहुँचने तक जितनी भी मेहनत हमने की है फाइनली उसका फल मिलने वाला है। तो आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, और नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो अब अगर आप देखो सारी डिशेज तैयार हो चुकी हैं, खाली एक ही डिश बाकी है अभी, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी पकाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पकवान जो काफ़ी दिनों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम परोस सकते हैं। तो अब तक हम लोग फैराडे का लॉ देख चुके हैं कि अगर आपके पास कहीं पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्टली चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्टली चेंज हो रही है, तो उसके अराउंड आपके पास एक चेंजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे नोट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो ये कि भाई जो फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है वो काफ़ी अलग होती है जो फील्ड आपके पास पॉइंट चार्जेस के केस में होती है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कर्ली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर पॉइंट पे कर्ल करती है। पॉइंट चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है वो पॉजिटिव से शुरू करती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। यहां पे ना तो कहीं से शुरू करती है ना किसी पे खत्म होती है, हर पॉइंट पे कर्ल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर से ऐसे देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल कर रही है, कर्ल कर रही है उस पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में है। और फैराडे के लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं टैटू बैटू करवा लूँ, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर्ल करती है, कर्ल करती है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेंगे प्लस मैक्सवेल इक्वेशन को जब आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो रही है उसके लिए कंडक्टर होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है अगर आपके पास कंडक्टर है वहाँ पर तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, नहीं, कंडक्टर का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब तक आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड स्पेस में आपके पास चेंजिंग कर्ली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो फैराडे के मुताबिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो सवाल जो हम पूछने वाले हैं कि भाई क्या रिवर्स उल्टा भी पॉसिबल है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देगा? और इसका आंसर मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट उसका कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोगों को बताया कि भाई बिल्कुल ऐसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो मिसिंग लिंक है, फाइनल डिशन जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको नेचर की ब्यूटीफुल सुंदर बहुत सुंदर सिमेट्री वो देखने को मिलेगी, और अपने को लाइट समझ में आएगी। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, वही नहीं, लाइट के बाकी भाई बहन, पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा खानदान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो अपने को समझ में आएगा, और वो अपनी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। प्लस जो तीन डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस थी फिजिक्स की, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये जुड़ गई, इकट्ठी हो गई, एक ही सिक्के के तीन डिफरेंट पहलू निकली। अगर आप देखो मेरे पास ये मैग्नेट है, मेरे पास मैग्नेट है और मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे रब करता हूँ कुछ चार्ज आ जाएगा। जो सोचना ही कि भाई इस मैग्नेट का या इस चार्ज्ड मार्कर का लाइट लाइट के साथ कुछ रिश्ता होगा, सोचना ही हैरान परेशान कर सकता है आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए वो ये है कि भाई जिस तरह से ये लिंक, जिस तरह से ये रिश्ता समझ में आया आपने को, मतलब आपके पास दो चार्जेस हैं, आप इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ को यूज़ करके, यहाँ पर आपके पास एक कॉन्स्टेंट आता है एप्सिलॉन जीरो। सिमिलरली दो वायर्स जिसके बीच में करंट फ्लो कर रही है उन दोनों के बीच में भी आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपके पास एक कॉन्स्टेंट आता है म्यू जीरो। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स हैं, चलने फिरने से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इनका। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि भाई ये दो कॉन्स्टेंट्स अपने को रास्ता दिखाएंगे रोशनी की तरफ।